त्रिपुरा से जुड़ी हुई, यहां पर त्रिपुरा में लेफ्ट की 25 साल पुरानी सरकार ध्वस्त होने की कगार पर नजर आती है, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा चुनाव के रुझान, जो मतगणना जारी है और जो रुझान सामने आ रखे हैं, और अब तो उसमें बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आती है और लेफ्ट को पीछे छोड़ दिया है बीजेपी ने। त्रिपुरा में रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिल रहा है। अभी 11 बज रहे हैं, बता दें कि जिस तरह से 8 बजे से मतगणना शुरू हुई उसमें अभी तक की काउंटिंग में बीजेपी 38 सीटों पर आगे चल रही है, यानी कि पहले कांटे की टक्कर नजर आ रही थी, बीजेपी पीछे नजर आ रही थी और लेफ्ट आगे, लेकिन अब लेफ्ट महज 21 सीटों पर ही अभी बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी के खाते में फिलहाल 38 सीटें जाती नजर आती हैं। ये रुझान हम आपको बता रहे हैं, 11 बजने को हैं और अभी तक, यानी कि जिस तरह से 8 बजे से काउंटिंग लगातार जारी हुई और उसके बाद में तस्वीर क्या सामने आ रही है, तस्वीर देखिए, त्रिपुरा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। त्रिपुरा की तस्वीर, बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न है और बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। होली भले ही कल थी, लेकिन आज यहाँ पर जीत की होली मनाते नजर आते हैं बीजेपी कार्यकर्ता। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे अहम बात तो बीजेपी के लिए ये इसीलिए बहुत ज्यादा त्रिपुरा अहम था क्योंकि इसके पहले चुनाव में मात्र 1.5% मतदान ही बीजेपी को मिले थे, लेकिन इसके बाद में न सिर्फ उस स्थिति को अच्छा किया बल्कि ये कहा जाए कि लेफ्ट का किला बहता नजर आ रहा है बीजेपी की लहर में। उसके बाद कार्यकर्ताओं में किस तरह से जश्न का माहौल है, ये तस्वीर देखिए, जीत की होली मनाते नजर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। 25 साल से यहाँ पे बांद्रम सरकार थी, अभी एक डेवलपमेंट का सरकार आया है और मोदी जी के नेतृत्व में, हमारी स्टेट प्रेसिडेंट विप्लव जी के नेतृत्व में इस त्रिपुरा की डेवलपमेंट हो गया। अभी लेफ्ट फ्रंट जैसे एक कम्युनिस्ट पार्टी जो देश का खाता है लेकिन देश का ही बेमानी करते हैं, उनको त्रिपुरा की लोग 25 साल के बाद उखाड़ के फेंक दिया प्रलय चक्रवर्ती। कार्यकर्ताओं के रिएक्शन आप जरा सुनिए, कार्यकर्ताओं में किस तरह से जश्न है, किस तरह से खुशी है। कार्यकर्ताओं ने जमकर मेहनत की, बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, चाहे बात प्रधानमंत्री की क्यों ना की जाए, उन्होंने भी त्रिपुरा में पूरी ताकत झोंकी थी, बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। कार्यकर्ताओं ने काफी मेहनत की सिलेक्शन को लेकर और शायद यही वजह भी है जिस तरह से रुझानों में अभी बीजेपी की स्थिति नजर आ रही है, 38 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। उसके बाद में कार्यकर्ताओं के चेहरे पर एक अलग ही रौनक है, उनके लिए तो आज ही होली का भी दिन है, आज ही दिवाली का भी दिन है, भले ही अभी रुझान सामने आए हो, लेकिन इसके बावजूद कार्यकर्ताओं में किस तरह से खुशी की तस्वीर है, ये जरा आप देखिए। जो अभी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ये अगरतला की तस्वीर थी।